हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। आज लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर जो इस मंथ की सेकंड वीक की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। जैसे कि आपको पता ही है, एग्ज़ाम है जो वो नज़दीक आ गया है, 4-5 दिन ही बाकी हैं। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, कल वीडियो प्रोवाइड की थी कि जो एडमिट कार्ड पहले आए थे वो अपडेट हो गए हैं। जो सेंटर किसी का चंडीगढ़ था वो और जगह हो गया है। जो एग्ज़ाम की टाइम की थी, किसका इवनिंग था, उनका मॉर्निंग हो गया। इसलिए एक बार दोबारा है जो आप एडमिट कार्ड हैं जो दोबारा डाउनलोड कीजिएगा, उस पर न्यू सेंटर आया है आपका, न्यू टाइमिंग आई है। एक बार ही है जो चेंज हुए हैं, अपडेटिंग हुआ है, दो बार नहीं हुआ है, एक बार हुआ है। इसलिए दोबारा है जो अपना कन्फर्म करें, एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय अवार्ड के लिए कौन सा प्रसिद्ध पत्रकार चुना गया है? चार ऑप्शंस हैं, रूबी सरकार, बी राजेश परशुराम जोष्टे, सी बी एस राजेश, या डी एन राम। जो राजा राम मोहन राय अवार्ड के लिए प्रसिद्ध पत्रकार चुना गया है वो है डी एन राम। अगला क्वेश्चन है, हेठ लिखे में से कौन सा शहर 18वीं IORA परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक COM का स्थान है? सैटीजागो, डरबन, ब्रासिलिया या हरारे, ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर है जो बी है, डरबन। किस कंपनी ने ब्लॉकचेन के माध्यम से भारत का पहला पत्र क्रेडिट भुगतान प्राप्त किया है? कंपनी बतानी है, चार कंपनीज है, टाटा मोटर्स, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इफोसिस। वो कौन सी कंपनी है जिसके माध्यम से भारत का पहला पत्र क्रेडिट LC भुगतान प्राप्त किया है? तो वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। राइट आंसर है जो सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित फसलों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए परिचालन रणनीति को मंजूरी दे दी है, वो बताना है कौन सी फसलें हैं? जो टमाटर, प्याज और आलू, प्याज गाजर और मटर, आलू गेहूं और प्याज, टमाटर मटर और मिर्च, ए बी सी या डी। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। भी कौन सी फसलें हैं जो जिसे भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए जो परिचालन रणनीति है उसको मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है जो ए है, टमाटर, प्याज और आलू वो फसलें हैं जिनको मंजूरी दे दी है परिचालन रणनीति के लिए। ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है, ए सौरभ कुमार, बी धर्मेंद्र, सी एन के सक्सेना, डी प्रीति जिंदल। जो ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो राइट आंसर है बी। रोलेक्स पेर्स मास्टर्स में निम्नलिखित में से किसने 2018 पुरुषों का एकल खिताब उठाया? मिलोस राइनिक, जुआन मार्टिन डेल पोट्रो, या क्रेन, या नोवाक जोकोविच। उसका नाम बताना है जिसने 2018 में पुरुषों का एकल खिताब उठाया रोलोकस पेर्स मास्टर्स में। तो इसका राइट आंसर है जो सी, क्रेन खाचानोव उनका नाम है। राइट आंसर है जो सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल पत्रकार दी फायर बर्न्स ब्लू ए हिस्ट्री ऑफ विमेन क्रिकेट इन इंडिया किताब की लेखक हैं? जतिन सप्रू, करुण्या केशव, माई आंटी लैंगर, बोरिया मंजूबदार, ए बी सी या डी। इन किताब के है जो लेखक का नाम बताना है। तो उनके लेखक का नाम है जो वो है बी, करुण्य केशव। राइट आंसर है जो बी, जो इस किताब के राइटर हैं। भारत के 2018 राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ND का विषय क्या है? आयुर्वेद दिवस का जो विषय बताना है भारत के 2018, आयुर्वेद सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए,
या मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे जीवन को ठीक करे और सुरक्षित रखे। आयुर्वेद के साथ खुशी से रहो। ए बी सी डा डी इन चारों विषय में से एक विषय है 2018 जो भारत का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। सो इसका राइट आंसर है जो ए है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, नव निर्मित इकाना क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? उदयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली या पुणे। ए बी सी या डी। तो जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है वो लखनऊ में है। राइट आंसर बी। बोस्टन में इंडिया ग्लोबल द्वारा प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार के साथ किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सुधा मूर्ति, सी अनुपम खेर या डी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हैं जो रेल मंत्री है, इसके पहले थे जो सुरेश प्रभु थे, मैंने जेब दाना है जो फेलो पुरस्कार के साथ किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है, तो वो थे अनुपम खेर जो एक्ट्रेस भी है। राइट आंसर है जो सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का स्थान कौन सा शहर है? ए गुवाहाटी, बी चेन्नई, सी पुणे या डी नई दिल्ली। आयुर्वेद की उद्यमिता और व्यापार विकास पर राष्ट्रीय जो संगोष्ठी का स्थान है वो बताना है, या स्थान या शहर। तो इसका आंसर है जो डी है, नई दिल्ली उसका जो शहर है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने उधारकर्ताओं के ब्योरों को पकड़ने के लिए पीसीआर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी पीसीआर का नाम बताना है क्या है, फुल फॉर्म जैसे कि मान लो शख्सपत नाम यानी कि फुल नेम पीसीआर का, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, व्यक्तिगत क्रेडिट रजिस्ट्री, प्रोन क्रेडिट रजिस्ट्री, प्रीमियम क्रेडिट रजिस्ट्रार। इन चारों में से एक आंसर है जो राइट है, उसकी फुल फॉर्म है जो राइट आंसर है वो है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। राइट आंसर है जो ए है, पीसीआर का फुल नेम आईएएमआईएमएआई ने भारत में प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एआरबीआर समिति गठित की है? कुमार जादव समिति या महेश प्रभु समिति या अजीत कुमार समिति या नम्रता महिंद्रो समिति। ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर है जो डी है, नम्रता महिंद्रो समिति। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अनारक्षित मोबाइल टिकट सुविधा मोबाइल पर यूटीएस भारतीय रेलवे द्वारा विकसित की गई है सीआरआईएस का मुख्यालय कहाँ है? ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। सो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। राइट आंसर है वो बी है। वीर दिनम अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्य का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी ओडिशा। जो रदीनम स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे और वो भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्य भी थे, उनका निधन हो गया है। उनका शहर बताना है, किस शहर से संबंधित थे वो, तो उनका शहर था तमिलनाडु। राइट आंसर है जो सी है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला WHO विश्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? वर्ल्ड सेहत ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ उनका फुल फॉर्म नाम है, ए न्यूयॉर्क, बी जनेवा, सी नई दिल्ली या डी पेरिस। ये तो आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जो जनेवा। विश्व सेहत संगठन का जो आयोजित किया गया था वो जनेवा में किया गया था। लिटिल इंडिया गेट जो हाल ही में समाचार में है का उद्घाटन
निम्नलिखित शहर में से किस में किया जाता है? मेडन, जकार्ता, बैटन या डिपो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैदान, ए है जो राइट आंसर है, मैदान में किया जाता है। किस तारीख को 2018 विश्व सुनामी जागरूकता दिवस WTAD किस तारीख को मनाया जाता है? 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या 6 नवंबर को? एक आंसर है जो करेक्ट है, जो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को, करेक्ट आंसर है जो सी है। भारत के पहले असममित केबल सिटल ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज ने हाल ही में निम्नलिखित शहरों में से किस उद्घाटन का उद्घाटन किया है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? ए बी सी या डी? तो इसका आंसर है जो राइट है वो डी है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट CCTNS के तहत नागरिक सेवाओं के लिए कौन सी राज्य पुलिस से सम्मानित किया है? राज्य की पुलिस बतानी है कौन सी है, हरियाणा की, असम की, झारखंड की या केरल की? वो है असम की, राइट आंसर बी। सो फ्रेंड, ये इस मंथ के सेकंड वीक की करंट अफेयर थी, अच्छे से रीड कीजिएगा। धन्यवाद।